हाय गाइस, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम वापस एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अनलिमिटेड गोल्ड एक किंगडम से दूसरे किंगडम कैसे लेके जा सकते हैं जबकि वो गोल्ड आपके बैग के बाहर हो। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए, एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक सब कुछ बताऊंगा। तो अभी तो पहले तो आपको जौन से भी बंदे के पास खूब सारा गोल्ड है और उसको माइग्रेट करना है, उसको गोल्ड लॉस नहीं करवाना, उसका आपको लीडर ले लेना है। तो अगर आप खुद ही देख रहे हो आपके पास ही इतना ज़्यादा गोल्ड है तो आपको किसी को लीडर दे देना है अपना। तो अभी तो मैं दिखाता हूँ पहले लीडर लेने पे, लेकिन मेरे को पहले ही मेल आ गया कि 7 का एक असल देख लेना, ले नहीं पाओगे शायद से। और मेरे को इतना याद नहीं था, मैंने ऐसे ही रिलोकेटर यूज़ कर दिया डायरेक्ट, मेरे को इतना याद ही नहीं था कि लो कासल के लीडर्स नहीं लेके जा सकते। तो फिर कोई नहीं, और वैसे भी ये बॉट है सही बताऊँ तो इसने ऑटोमेटिक वो शील्ड कर ली। तो अभी तो पहले तो मैं इसकी शील्ड हटवाऊँगा, तो शील्ड हटवाने के बाद मैं इसका लीडर लूँगा, लेकिन सीधी सी बात है लीडर ले नहीं पाऊँगा। तो अभी मेरे को एक मतलब फाइनली कंक्लूज़न ये निकला था, मेरे को बहुत दूर कहीं जाके एक लीडर लेना पड़ा यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब विंड बूस्ट वगैरह यूज़ किया है। तो अभी मैं इतना क्या ही बताऊँ, पहले तो डायरेक्ट मैं वहीं पर लेके चलता हूँ जहाँ पर मैंने लीडर ले लिया है, फिर दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो पहले तो आप लीडर ले लेना गाइस। अब मेरी आर्मी जा रही है वहाँ पे मतलब एक बंदे को मारने। तो देखो इसके पास है एंटी स्काउट, मेरे को पता नहीं है कि मतलब इसके पास आर्मी है कि नहीं है, कितने ट्रूप्स हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। इसके पास एंटी स्काउट है बस, मेरे को इतना पता है। अगर इसके पास आर्मी होगी तो मैं इसका ही लीडर ले लूँगा, अगर नहीं हुई तो फिर और अच्छी बात है, मेरे ट्रूप भी एक भी लॉस नहीं होंगे, और जिसका लीडर इसने लेके रखा है उसका लीडर ले लूँगा। तो सीधी सी बात है, मतलब मेरे को दोनों तरफ से लीडर मिल ही जाएगा। तो अभी तो मैंने एंटी स्काउट था और मतलब मेरे को लग रहा था इसके पास ट्रूप्स हो सकते हैं, तो मैंने मिक्स किया अटैक और मैंने ऐसे ही अटैक मारा, मतलब कोई स्ट्रेटजी नहीं कुछ नहीं कि मतलब अगर इज्जत से करता है तो मैं सही बताऊँ तो कोई दो टाइप के ट्रूप लेके अटैक करता फुल, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चांसेस, मतलब एक टाइप के फुल लेके अटैक करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है जीतने के, दो टाइप के लेके करोगे तो मॉडरेट, और अगर मिक्स अटैक कर रहे हो तो पता है बहुत मतलब दिक्कत हो सकती है अगर सामने वाले के पास अच्छे खासे ट्रूप्स हैं जीतने में। तो अभी तो पहले ये दिखाता हूँ कि अभी तो मतलब मैं ही खुद ही ये देख रहा हूँ यार कि इसके पास ट्रूप्स हैं कि नहीं है। तो अभी पहले तो ट्रूप्स देखते हैं इसके पास, वैसे उम्मीद है ना हो, अगर हुआ तो मेरा बहुत लॉस होगा, मतलब बहुत तो नहीं होना चाहिए। इसका कासल 24 ही है, माइंड भी इतनी ठीक ठाक नहीं है कि मेरा बहुत लॉस कर पाए, लेकिन फिर भी लॉस होगा, मेरे T1 और T2 मर जाएंगे, ठीक ठाक निपट जाएंगे। तो अभी ये हिट कर गया, लीडर तो मैंने छुड़ा लिया, और ओप्स ट्रूप्स थे इसके पास, ऐसा क्या था भाई मेरे इतने निपटा दिए इतने कम ट्रूप्स में, फुल T3 था आई थिंक, इसके पास केवल T3 थे, T1 T2 नहीं थे। हाँ देखा, राइट गेस किया, केवल T3 थे, T1 T2 नहीं थे। तो अभी मेरा देखो ठीक ठाक लॉस हुआ है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं यार, लॉस का क्या है भाई, वॉर है, होता रहता है गेम है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मैंने उसका लीडर छुड़वा दिया, अब मैं जाके उसका लीडर वापस से कैप्चर करूँगा, क्योंकि मेरे को उसका लीडर चाहिए, तभी मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बता पाऊँगा। तो अभी तो पहले मैं उसका आगे लीडर ले लेता हूँ, तो लीडर अब डायरेक्ट लीडर ही लेता हूँ, वो दिखाता हूँ कहाँ, और आगे दिखाऊँगा मैं कि आपको अब भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। तो और चलो डायरेक्ट देखते हैं अब लीडर पर। अब मेरी आर्मी निकल चुकी है लीडर कैप्चर करने के लिए, मतलब निकल के आ भी चुकी है कैप्चर करने के बाद लीडर, उसका उसी का लीडर लिया है जिसका मैंने छुड़वाया था भाई, सीधे मेरे को लीडर की ज़रूरत थी तो मैंने उसका छुड़वाया और ले भी लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, अब जब आपको लीडर उसका आपको मतलब देखिए मैं एनिमीज़ का ले रहा हूँ, आपको उसका लेना है, फ्रेंड्स का लेना है, गिल्ड मेट का लेना है, जिसको माइग्रेट करना है, तो ताकि वो अनलिमिटेड गोल्ड आप लेके जा सके, मतलब आप जितना चाहो उतना, अनलिमिटेड भी नहीं बोल सकते, मतलब एक भी लिमिट तो होती होगी, वैसे मैंने लिमिट ट्राई नहीं की कभी। तो अभी देखो यहाँ पे जाके अभी आपको रैंसम पे करना है, इसके पास सिर्फ उतना रैंसम लिखना है जितना उसके पास आउटसाइड द बैग हो, ठीक है ना, उस जो भी बड़ा प्लेयर है या कोई भी है, ऐसी बात नहीं कि बड़े प्लेयर के पास ही गोल्ड होता है, कुछ गोल्ड हाइपर होते हैं उनके पास भी बहुत गोल्ड होता है, तो उसके पास जितना भी आउटसाइड ऑफ द बैग हो आपको सिर्फ उतनी रैंसम लिखनी है, और उससे बोलना है अभी रैंसम नहीं देनी। तो अभी रैंसम नहीं देनी तो कब देनी है अभी दिखाता हूँ। अभी आपको जिस भी किंगडम उसको जाना है और आपको जाना है, साथ में जाना है, तो चलो आओ उस किंगडम में ही चल के देखते हैं डायरेक्ट। और तो अभी आपको उस किंगडम में पहुँच जाना है डायरेक्ट, और फिर मैं बताऊँगा आगे क्या करना है। तो अभी चलो आओ डायरेक्ट किंगडम पे चलते हैं, देखते हैं
पहले तो किंगडम कौन सा है मेरे को जानना, सिक्स सिटी। हाँ गाइस, जिनको ना बताओ बता दूँ, हमारा गिल्ड और हम माइग्रेट कर रहे हैं किंगडम 685। तो है अगर कोई देख रहा है भाई लोग 685 से कोई, तो कमेंट सेक्शन में जाओ यार, बताओ मेरे को भी पता चलना चाहिए। तो अभी तो गाइज मैं एंटर नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरी फ्यूरी है, तो अभी रुक जाओ थोड़ा वेट करता हूँ, मैं फ्यूरी का इंतज़ार करता हूँ और फ्यूरी के बाद बताऊँगा। तो देखो अब फ्यूरी हट चुकी है और यहाँ पे अभी लेन देन चल रहा है, 6 से 8 मिनट हो गया, पता नहीं कितना मिनट हो गया, कट किया मैंने सीन तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इनके पास बहुत रिसोर्स हैं, ये सब भी 500-800 मिलियन के हैं, तो इनके पास तो रिसोर्स होंगी। तो देखो अभी वहाँ पे जाना है, लेकिन अभी तो यार वुड भी बहुत ज़्यादा है, तो पहले मैं हील ही मार लेता हूँ, और हील मारना है मेरे को, और हील मारने के बाद जितने भी और एक्स्ट्रा वुड होगी थोड़ी बहुत बॉट को दे दूंगा, क्योंकि इसका भी लॉस हुआ है थोड़ा बहुत, इसको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो अब आओ चलो बॉट को देते हैं। तो गाइज अब मैंने बॉट को भी दे दिया, मतलब मैं किंगडम माइग्रेट करने को पूरा तैयार हूँ। तो अब बॉट को, हाँ पहुँच गए रिसोर्सेस, ठीक ठाक ही पहुँच गए, जितना था एक्स्ट्रा सब दे दिया। तो अब चलते हैं 685 और अब दिखाता हूँ उसके आगे क्या करना है। जब आप उस किंगडम पहुँच जाओगे तो फिर उसके आगे आपको यहाँ पे जाना है और कहीं पे भी जहाँ पे भी अपना हाई हो, और माइग्रेट कर देना है, और माइग्रेट करने के बाद उसे बोलना है अब रैंसम पे करो। और तब जब वो रैंसम पे कर चुकेगा उसके बाद क्या होगा, देखो जब वो रैंसम पे कर देगा तो उसके पास बैग मतलब आउटसाइड गोल्ड बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि पहले मैंने बताया था कि जितना उसके आउटसाइड हो उतनी ही रैंसम रखना, तो उसके बाद तो वो आ ही सकता है आराम से और आपको भी गोल्ड मिल जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, गोल्ड वेस्ट नहीं हुआ और एक साथ मतलब एक साथ दो लोग आ गए, मतलब एक ही टाइम पे, वरना ऐसा क्या होता है लोगों को पहले टीममेट को देते तो हैं, फिर बाकी जिसको देते हैं वो इंतज़ार करता है कि कोई अच्छी रिसर्च लगा दें, मतलब तगड़ी वाली जिसमें गोल्ड लेना हो। फिर भी अगर कुछ बहुत ही बड़े प्लेयर होते हैं वो तो फ्री में ही देके जाते हैं लोगों को, तो ऐसे फ्री में नहीं देना पड़ेगा। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करना है। आपको उस बंदे का लीडर लेना है, अगर आप खुद ही के पास इतना आता है तो किसी भी भरोसेमंद बंदे को अपना लीडर दे देना है, और उसको बोलना है रैंसम रख दे इतनी जितनी भी आपके पास बैग में हो, मतलब आउटसाइड का हो, बैग में ना, बैग का मत यूज़ करना, बैग तो अपन लिमिटेड लेके जा सकते हो जितना। उसके बाद उस बंदे को उस किंगडम में भेजना है, उसके बाद आपको रैंसम पे करनी है और बस आपको भी आ जाना है। तो बस गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा सी यू, सब्सक्राइब करके आना, लाइक करके आना, बाय।